पीटीआई कोर कमेटी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक बुशरा बीबी इस बात की जमानत देने के लिए तैयार है कि इमरान खान फौज के खिलाफ अपने बयानात पर आंधी रिकॉर्ड मुआफ़ी मांगने के लिए आमादा है और तमाम सियासी पार्टियों के साथ मिलकर बैठकर मुआफ़ी मांगने के लिए भी तैयार। इसके अलावा मजीद भी कुछ करने के लिए पार्टी किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं। इसी दौरान नामना जाहिर करने की शर्त पर पीटीआई के एक रहनुमा ने कहा कि पार्टी के हालिया कोर कमेटी के इजलास में इस बात पर बहस हुई है कि पार्टी के ऐसे रहनुमा जो 9 मई को की गई दहशतगर्दी की वजह से रूपोश हैं, वो खुद को कानून के हवाले करेंगे, अपने किए पर मुआफ़ी मांगेंगे और सजा भुगतेंगे। इजलास में इस बात पर भी इत्तेफाक किया गया कि इमरान खान प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कौम से मुआफ़ी मांगेंगे कि पीटीआई की वजह से मुल्क को जो नुकसान हुआ है इस पर मैं शर्मिंदा हूँ और आइंदा ऐसा कुछ न करने की भी गारंटी दी जाएगी। इस पर लोगों का मिला जुला रद्द अमल सामने आया है। एक साहिब के मुताबिक कुत्ते की दम कभी सीधी नहीं हो सकती, अब सब समझदार लोग हैं। एक और साहिब का कहना है कि सांप को जितना मर्जी दूध पिला दो वो डसने से बाज नहीं आएगा। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मजीद दिलकश कहानियों के लिए हमारे चैनल फैक्ट फोकस के साथ जुड़े रहें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।